शिमला में पीएम मोदी स्कूली छात्रों और उनके अभिभावकों को पढ़ाई से तनाव दूर करने के देंगे टिप्स। प्रदेश के कई स्कूलों में पीएम के भाषण को दिखाया जाएगा लाइव। बीजेपी सरकार के पहले बजट सत्र की अधिसूचना हुई जारी, 6 मार्च से शुरू होगा हिमाचल का बजट सत्र। राजभवन ने जारी की अधिसूचना। आज हमीरपुर दौरे पर रहेंगे सीएम जयराम ठाकुर। मंडी में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इम्पोरियम का उद्घाटन करने के बाद हमीरपुर के लिए भरेंगे उड़ान। दोपहर बाद पहुंचेंगे शिमला। जवाब दे सांसद, हिसाब दे सांसद अभियान की हुई शुरुआत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुंगू और मुकेश अग्निहोत्री ने सांसदों पर दागे सवाल, कहा अब सांसद क्यों हो रहे विचलित। कांग्रेस के सांसद हिसाब दे जवाब दे पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। किसान कांग्रेस विधायक ने मांगा अनुराग ठाकुर से जवाब, तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने एचपीसीए के प्रति बढ़ती नरमी पर राज्य की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा, कहा मामला अभी कोर्ट में है, करनी चाहिए प्रतीक्षा। जंजाली मामले को लेकर सुक्खू का बयान, कहा प्रदेश सरकार जनता की भावना को समझने में रही नाकाम, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिए जाने चाहिए थे फैसले। पांवटा साहिब में आयकर विभाग की टीम ने की छापेमारी, रियल स्टेट और खनन के कारोबार से जुड़े कई जगहों पर की छापेमारी। व्यापारी के ऑफिस में दी दबिश, जरूरी दस्तावेज किए जब्त। हिमाचल कबड्डी टीम के खिलाड़ियों का सोलन पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। मुंबई में हिमाचल की बेटियों ने दिखाया था दमखम, फेडरेशन कप ऑफ इंडिया की ओर से किया गया था आयोजन। और हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आगामी 20 फरवरी से हिमाचल में बर्फबारी और बारिश की संभावना, अगले 3 दिन तक छाए रहेंगे बादल, शीतलहर से आएगी गिरावट।